हेलो दोस्तों, मैं हूँ एनआईए बीएमएस का स्टूडेंट और माय यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूँ जो स्टूडेंट बहुत दिनों से एआईपीयूटी काउंसलिंग 2020 का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आज उनका इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज वीसीआई ने इसका ऑफिशियल जो शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया गया है। और उसी शेड्यूल के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होंगे, रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो क्या है, टोटल सीट्स कितनी है वेटनरी की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर्ड होंगे काउंसलिंग के टाइम पे। तो इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें। और यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना देर के वीडियो के एंड तक बने रहे। हेलो दोस्तों, तो आज जो है वीसीआई ने फाइनली अपना ऑफिशियल शेड्यूल जो है वो रिलीज़ कर दिया है, और उसको आप वीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकती हो। ओके दोस्तों, और इसका जो राउंड वन की सीट मैट्रिक्स भी रिलीज़ कर दी गई है, तो उसको भी आप वीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकती हो। और इसकी डिटेल काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है वो भी रिलीज़ कर दी है, तो उसको भी आप वीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम इसके डिटेल काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में ही बात करेंगे कि इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या दे रखा है। हर एक पॉइंट को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखिए। ओके दोस्तों, तो उसका डिटेल काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है वो आज वीसीआई ने रिलीज़ कर दिया गया है, और उसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो देखते हैं इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या दे रखा है। ओके दोस्तों, तो इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप वीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके एक बार ज़रूर से देख लेना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर दे रखा है ऑल इंडिया बेसिस थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग, मतलब पूरी की पूरी जो काउंसलिंग है ऑनलाइन होगी, इसमें कोई सा भी जो राउंड है वो ऑफलाइन नहीं होगा, चाहे फर्स्ट राउंड हो, सेकेंड राउंड हो, मॉपअप राउंड, सारे के सारे जो राउंड है वो ऑनलाइन होंगे। ओके दोस्तों, और जो कोर्स की जो ड्यूरेशन रहती है वो 5.5 ईयर की रहती है, और टोटल नंबर ऑफ जो सीट है वो वेटनरी की इंडिया में वो है 607। ओके दोस्तों, तो 15% सीट की जो सीट्स हैं वो है 607, यहाँ से देख सकते हो टोटल सीट जो है वो 607 है, और उसके लिए ये काउंसलिंग हो रही है। ओके दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो www.vcicounseling.nic.in है। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो नेशनलिटी इंडियन, और इसकी एज क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है 17 ईयर से ज़्यादा और 25 साल से कम। ओके दोस्तों, और एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए 5 ईयर का रिलेशन, और ओबीसी कैटेगरी वालों को 3 ईयर का रिलेशन, और पीएच कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का रिलेशन यहाँ पर दे रखा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आप एक बार एज का जो क्राइटेरिया है इसको भी आप एक बार देख लेना। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ से एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, और जनरल कैटेगरी वालों के लिए इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 50% मार्क्स होने चाहिए, और एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 47.5 मार्क्स होने चाहिए। ओके, तो ये देख सकते हो आप यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी, और नीट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं हो तो इसके लिए आप इनएलिजिबल हो। ओके दोस्तों, क्योंकि इसमें जो आपको एडमिशन मिलेगा वो नीट के बेसिस पर ही मिलेगा, उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसके बेसिस पर आपको जो है इसमें एडमिशन मिलेगा, इसलिए नीट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं आगे इसमें क्या दे रखा है। यहाँ से फिजिकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए भी दे रखे हैं, आप अगर फिजिकल डिसेबिलिटी हो तो यहाँ से आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ओके दोस्तों, और यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं, उसको भी आप एक बार ज़रूर से देख लेना। यहाँ पर रिजर्वेशन भी दे रखा है, इसको भी आप यहाँ से देख लेना। ओके दोस्तों, और यहाँ से काउंसलिंग प्रोसीजर भी दे रखा है, इसको भी आप यहाँ से एक बार ही देख लेना। अब देखते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो क्या है। तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 1000, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है 900, और बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी
और पीएच जो कैंडिडेट है उनके लिए 500। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो कितनी है। तो 1000 जनरल कैटेगरी वालों के लिए, 900 जो है वो ईडब्ल्यू से ओबीसी, और एससी एसटी वालों के लिए 500 रुपये जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस है। ओके दोस्तों, मोड ऑफ ऑफलाइन जो पेमेंट है, अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करोगे तो उसके लिए आपको चालान जो चालान है वो कटाना है और चालान को जो है बैंक में जमा करवाना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आप देख सकते हो, इसको एक बार आप अच्छी तरह से रीड कर लेना है। ओके दोस्तों, यहाँ मॉपअप राउंड के बारे में भी दे रखा है, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मॉपअप राउंड का जो है मॉपअप राउंड जब चलेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये दे रखा है, इन सबको एक बार आप अच्छी तरह से रीड कर लेना, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर्ड होंगे जब आप रिपोर्टिंग करवाओगे उस टाइम पर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो आपके लिए रिक्वायर्ड है रिपोर्टिंग के टाइम पर। तो जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपके पास होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए नीट का, स्कोर कार्ड होना चाहिए नीट का, आधार कार्ड होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट होना चाहिए, और यानी कि यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए सेम जो कि आपने नीट के एडमिट कार्ड में अपलोड की है वो। ओके दोस्तों, तो यहाँ से ये डॉक्यूमेंट देख सकते हो, अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपका एडमिशन जो है वो भी कैंसिल हो सकता है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट को बना के आपके पास रखे ताकि जब आप रिपोर्टिंग करवाओ तो इन डॉक्यूमेंट को आप लेके वहाँ पर चले जाना। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर्ड होंगे रिपोर्टिंग के टाइम पे। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं, यहाँ पर इसका जो है वो डिटेल जो शेड्यूल है वो भी दे रखा है। तो यहाँ से ऑनलाइन जो आपके रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग जो है वो 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, 2 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में, और पेमेंट जो है वो भी आपको 2 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में करना है। प्रोसेसिंग सीट अलॉटमेंट जो है वो 11 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में होगा, और इसका जो रिजल्ट पब्लिश होगा वो है 14 जनवरी को फर्स्ट राउंड का, और फर्स्ट राउंड की जो रिपोर्टिंग करवानी है जिसको सीट अलॉटमेंट हुई है उसको 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में। ओके दोस्तों, और सेकेंड राउंड जो है उसमें उस सेकेंड राउंड के लिए जो फर्स्ट राउंड के बाद जो वैकेंट सीट है उसकी सीट मैट्रिक्स जो है वो 25 जनवरी को रिलीज़ करेंगे, और इसका प्रोसेसिंग सीट अलॉटमेंट जो है वो 27 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में चलेगा, रिजल्ट जो पब्लिश होगा वो 29 जनवरी को होगा, और सेकेंड राउंड की जो रिपोर्टिंग डेट है वो 1 फरवरी से 5 फरवरी है। ओके दोस्तों, तो इसके बीच में आपको सेकेंड राउंड की रिपोर्टिंग करवानी है कॉलेज में। उसके बाद में मॉपअप राउंड जो होगा वो आपका, इसके बाद में जो सेकेंड राउंड के बाद में जो सीट वैकेंट हो जाएगी वो सीट मैटर रिलीज होगी 9 फरवरी को, और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 से 11 के बीच में होंगे। ओके दोस्तों, और इसके लिए अब आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी जनरल कैटेगरी वालों के लिए 20,000, और एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 10,000 जो फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। इसका जो फाइनल रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो होगा 15 फरवरी 2021 को, और रिपोर्टिंग जो आपको कॉलेज में जाकर करवानी है वो है 16 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका ये पूरा जो शेड्यूल है वो यहाँ पर दे रखा है, जो कि आज ऑफिशियल शेड्यूल जो है वो रिलीज़ कर दिया है। ओके दोस्तों, बाकी का जो पार्ट रह गया उसको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा उस पार्ट में हम कवर करेंगे कि इसके कौन कौन से एफिडेविट है जो आपको बनवाने हैं और जो कि रिपोर्टिंग के टाइम पर रिक्वायर्ड होंगे। ओके दोस्तों, और इसकी जो टोटल कॉलेज कितनी है वेटनरी की और उनमें कितनी जो सीट है वो है, पूरी डिटेल सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके दोस्तों, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स जो है वो क्या रहने वाला है फर्स्ट राउंड का, तो इन सब के बारे में जो है हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। इसलिए गाइस, यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इन बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही मेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही, थैंक यू एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए हमारे साथ बने रहें।